अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल हमने सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक लैचेस देखी थी। लैचेस का बेसिकली रिकैप ही आ गया था और उसके बाद हमने लैचेस के बाद एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पर आ गए थे, SR और D फ्लिप फ्लॉप देख ली थी। और फिर आज कंटिन्यूशन में हमारे पास टॉपिक में है JK फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। चलें देखते हैं कि ये क्या है। ये नई फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जैसी लैचेस अवेलेबल नहीं थी, इसमें कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है वो हम फिगर आउट करें। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है आपके पास? ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, कह रहे हैं कि जे के फ्लिप फ्लॉप भी बिल्कुल वैसे ही है, नैंड गेट से ही बनती है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस हैं। ठीक है, चेंजेस क्या हैं उसको मैं हाईलाइट करा देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम इधर अचीव करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप में वो ये है कि नो इनवैलिड स्टेट। ठीक है, जो मसला हमारे पास SR और DH या डी फ्लिप फ्लॉप्स में था वो मसला इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे कि इनवैलिड स्टेट को किसी तरीके से रिमूव कर दें। अच्छा, अब इसमें क्या होगा अगर जे हाई है? ठीक है, जे एक्चुअली सेम एज एस की जगह प्लेस किया गया, ठीक है, और के प्लेस किया गया रीसेट की जगह। ठीक है, जे जो है कहाँ प्लेस किया गया है, अगर आपको याद रखने में मुश्किल हो रही है, एस की जगह प्लेस किया गया है और के जो है प्लेस किया गया है आर की जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जे इज हाई प्रोवाइडेड डेट के इज लो, तो आपकी फ्लिप फ्लॉप किस स्टेट में चली जाएगी? सेट में, बिल्कुल वैसी जैसा पहले होता था। कह रहे हैं कि अगर के पर हाई आ जाए प्रोवाइडेड डेट जे इज लो, तो आपकी फ्लिप फ्लॉप चली जाएगी रिसेट स्टेट में, जैसे कि पहले भी होता था। बोथ इनपुट लो के केस में आपको याद है कि क्या होता था, नो चेंज की स्टेट थी, लेकिन बोथ इनपुट हाई के केस में हमारे पास SR में आती थी इनवैलिड स्टेट, जबकि जे के में क्या कहा जा रहा है हमारे पास यहाँ पे एक और स्टेट अचीव होगी जिसको नाम दिया गया टॉगल। ठीक है, तो ये टॉगल क्या है इस पर बात करेंगे आज कि टॉगल क्या है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमने स्कीमेटिक जो राइट हैंड साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे बनी हुई है इसमें जो चेंज किया है तो क्या चेंज किया है और उससे क्या असर हुआ है हमारे सर्किट में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि क्या असर पड़ा इससे। मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि समझना हमारे लिए आसान है। ठीक, तो ये डायग्राम थी, चेंज क्या आया इसमें, पहले चेंज को हाईलाइट करवा देता हूँ। चेंज ये आया है कि ये सिर्फ एक लाइन जो है एक्स्ट्रा, ये लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमने इसमें एक्स्ट्रा काम किया है। पहले क्या होता था कि इसके बगैर जो भी सर्किट था इसके बगैर था, तो सिर्फ मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ जो जेके और SR में फर्क है। जेके और SR में ये फर्क है, ये जो लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फीडबैक पाथ पहले सिर्फ और सिर्फ जाता था कहां पर, लैच को जाता था, लेकिन अब फीडबैक जो है कहाँ जा रहा है, स्टीयरिंग सर्किट को भी जा रहा है, पल्स स्टीयरिंग सर्किट जो है उसको भी हमने फीडबैक दे दिया। ठीक है, इसके इस रेड लाइन से जो मैंने हाईलाइट किया, इसके अलावा जो सर्किट था वो हमारा SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप ही है, SR फ्लिप फ्लॉप इन दिस केस, क्योंकि हम इसमें क्लॉक प्रोवाइड करें। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ये एक एडिशनल फीडबैक आया है, किसको, वही फीडबैक है, आउटपुट ही फीड होकर जा रहा है, फीडबैक होकर जा रहा है आपके स्टीयरिंग सर्किट में। अच्छा, ध्यान रहे, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो पहले फीडबैक जा रहा था वो ये था हमारे पास, लेकिन फीडबैक किस तरीके से जा रहा है ये ध्यान आपने जरूर रखना है। जो फीडबैक क्यू है, क्यू थोड़ा जो है ऊपर की तरफ है, वो वाला नीचे वाले गेट्स को कनेक्ट हो रहा है दोनों केसेस में। यहाँ से भी देखा जाए तो ये नीचे वाले को कनेक्ट हो रहा है, और ये रेड वाली लाइन भी देखी जाए तो ये यहाँ नीचे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है। तो जो ऊपर वाला है वो हमेशा नीचे वाले गेट्स को फीडबैक कर रहा होता है, और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले गेट्स को फीडबैक कर रहे हैं। ठीक, तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन अगर कर दी SR फ्लिप फ्लॉप में तो वो JK फ्लिप फ्लॉप बन जाती है। ठीक है, और कहना ये है कि अगर हम ये कर देते हैं तो इनवैलिड स्टेट रिमूव हो जाएगी और हमारे पास एक और नई स्टेट आ जाएगी जिसका नाम है टॉगल। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देखेंगे
और फिर जानेंगे कि ये टॉगल स्टेट क्या है। तो टेबल को नीचे हम फिल करते जाएंगे, ऑलरेडी फिल्ड है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ और फिर इस पर अलग अलग कॉम्बिनेशन अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको आइडिया ही है कि इनिशियली तो जब आप ऑन करते हैं, ठीक है, अगर आपकी आई सी ऑन होती है तो आपके क्यू और क्यू बार पर कुछ भी नहीं आ रहा होता, राइट, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर मैं अपने सिग्नल को इनेबल करके कोई सेट या रीसेट स्टेट उसे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली जो है इसमें क्यू में मेरे पास वन आ ही रहा है क्योंकि मैंने उसको सेट कर दिया। डायरेक्ट मैं नो चेंज से स्टार्ट नहीं कर सकता, और इधर अगर सेट आ रहा है तो इधर आ रहा होगा रीसेट। ठीक है, ये चीज़ हमने एज्यूम कर ली। और इस वन की वजह से कहाँ कहाँ वन पहुंच जाएगा? अच्छा, एक क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, अटेंडेंस है। तो ये वन कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे ऑलरेडी वन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जीरो आया हुआ है, सेम एज यही जीरो यहाँ पर भी आया हुआ है, और सेम एज यही वाला वन, क्योंकि यहाँ से घूम कर आ रहा है, यही वाला वन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, या मैं और क्लियर कर लेता हूँ इसको, इसको अंदर ड्रॉ कर देता हूँ। जीरो यहाँ आया हुआ है सेंटर वाले पे, और वन यहाँ आया हुआ है सेंटर वाले पे। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी आउटपुट या कोई भी प्रेजेंट स्टेट कैसे, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट जरूरी है, मुझे प्रेजेंट स्टेट जरूरी थी, और प्रेजेंट स्टेट मैंने गलती ये कर दी। चलो वन ले ली, कोई मसला नहीं, हम बाद वाले कॉम्बिनेशन पहले ट्राई कर लेंगे और जीरो वाले बाद में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बाद वाले से मुराद क्या है कि अगर ट्रुथ टेबल देखें तो क्यू जो है, नीचे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देख रहे हैं, ये क्यू जो है ऊपर जो है इस जगह पर क्यू जीरो है, यानी प्रेजेंट स्टेट मैंने जीरो मान के काम किया हुआ है, और इस केस में क्यू मेरे पास वन एज्यूम करके काम किया। तो अभी फिलहाल तो मैंने जो है वन एज्यूम कर लिया, तो नीचे वाले कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ऊपर वाले कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे। ठीक, अब मुझे इसको वापस उस जगह पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये सिचुएशन है, अब क्या करना है कि मैं इस पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करना शुरू करता हूँ। अगर मैंने, अच्छा ये मान लेते हैं कि पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर से मेरे पास पल्स आई हुई है, पल्स आई हुई है का मतलब है कि यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो गया होगा, हाई आ गया होगा। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं फिक्स आई, अभी इस चक्कर में नहीं जा रहे कि पल्स आई हुई है नहीं है, बस ये मान लेते हैं कि पल्स आ ही रही है, यानी ये वाला सिग्नल तो मेरा वन ही है। ठीक है, और इस सिग्नल पे मैंने क्या प्रोवाइड किया बाहर से, जीरो जीरो पहला केस, जीरो जीरो नो चेंज वाला केस, देखते हैं कि नो चेंज होता भी है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आ गया मेरे पास जीरो, और यहाँ पर भी आ गया मेरे पास जीरो। ठीक है, गेट कौन सा लगा हुआ है? नैंड गेट लगा हुआ है, एंड से मिलता जुलता है। एंड पे जीरो या वन का बिहेवियर देख लेते हैं। एंड पर क्या होता है, एक भी जीरो आता है तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, जीरो, ऐसे ही है। और इधर भी क्या है, एक भी जीरो आ जाएगा, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, जीरो। ठीक है, जीरो जीरो का मतलब है कि ये नैंड होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पहुंचेगा इस जगह पे वन, और ये भी इन्वर्ट हो जाने की वजह से क्या पहुंचेगा यहाँ पर वन। अब अगर ऊपर वाले गेट की बात की जाए तो वन जीरो फिर से नैंड गेट है, जीरो सेंसिटिव है, जीरो पे क्या प्रोड्यूस कर देगा, जीरो, और यहाँ इन्वर्ट होने की वजह से क्या पहुंचेगा, वन। ठीक है, इसको देख लेते हैं, अभी मैं उसको फिर ऐड नहीं कर रहा। यहाँ से वन वन आया हुआ था तो वन वन की वजह से एंड गेट प्रोड्यूस करता है वन, और इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पहुंचेगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, और यहाँ पर फीडबैक होके दोबारा जीरो ही आ गया, फीडबैक होके दोबारा वन ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आउटपुट इसी स्टेट में लैच हो जाएगा या मेमोराइज हो जाएगा, और जीरो जीरो पे इस तरीके से मेरे पास नो चेंज स्टेट आ गई, क्योंकि मेरा आउटपुट जो प्रीवियसली था वही रिटेन रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? जी क्लास, कोई क्यूरी तो नहीं है यहाँ पर? चलें ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई क्यूरी नहीं है। तो जो मैंने स्टेप जीरो जीरो के साथ किए हैं उसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद नए कॉम्बिनेशन से दोबारा से ट्राई करते हैं।
ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन मैंने क्या ट्राई किया, 0-0 पे तो नो चेंज आ गया, एक चीज़ वेरीफाई हो गई, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और यही आ गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, अब मैं अप्लाई कर देता हूँ सेट पर तो नहीं, चलो रीसेट वाला करते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0-1 अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 0 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 1। एक भी 0 आ जाएगा, ये 0 प्रोड्यूस करेगा और इन्वर्ट होने की वजह से ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। तीनों 1 है, तीनों 1 भी एक एंड की प्रॉपर्टी है कि ऑल 1s पे वो क्या देता है मुझे, 1 देता है, इन्वर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर भी 1-0 है, इधर भी 1-0 है, दोनों जगह क्या बन जाएगा, एक भी 0 होने की वजह से इधर 0 आया, ठीक, और इधर भी आ गया 0 ही, ये इन्वर्ट हुआ, 1 बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब 0 आया हुआ था तो ये इन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ये क्या बना, 0 नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, अब 1 बन गया। अब ये 1 बन गया है तो यहाँ से ये जो फीडबैक होके इस जगह जा रहा था ये भी चेंज होके क्या बन गया है, 1 बन गया। यानी थोड़ा सा डिले आया लेकिन ये भी 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो ये 1-1 से क्या प्रोड्यूस हुआ, अब इधर 1-1 से इधर 0 नहीं प्रोड्यूस होगा बल्कि इस जगह पे क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, 1, और 1 है तो इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ से इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इस जगह पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये 1 इन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, अब इधर 0 आ गया है तो यहाँ पे भी चेंज होगा और क्या बन जाएगा 0, और 0-0 को चेक करें तो ये 0 ही होता है और इन्वर्ट होगा तो इन्वर्ट होके ये स्टिल 1 ही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, और 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर। अब ये जो है हमारी जो है ना लैच स्टेट में आ गई है या मेमोराइजिंग स्टेट में आ गई, अब मेरा आउटपुट स्टेबल हो गया है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस पे चेंज हुआ लेकिन फाइनली स्टेबल हो गया इस आउटपुट, और ये आउटपुट क्या है, क्यू पर आ रहा है मेरे पास 0 और क्यू बार पर आ रहा है 1। अच्छा सैफ, एक मिनट में आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले मैं कंक्लूड कर दूँ इस बात को। तो इस सूरत में क्या हुआ कि इवेंचुअली जो है मेरी फ्लिप फ्लॉप में क्या आ गया, क्यू पर 0 फिक्स हो गया है और क्यू बार पर 1, तो वो कौन सी स्टेट होती है जिसमें क्यू 0 हो जाता है, वो होती है रीसेट स्टेट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अब जे और के, ये अच्छा ये ध्यान रख लो, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो है के है, ठीक है, या यहाँ पे नहीं, यहाँ मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा जो है मेरे पास जे है, ठीक है, ये वाली लाइन जे है और ये वाली लाइन के है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि के सेम एज रीसेट, तो के को हम कह सकते हो कि आर ही की तरह है, आर की तरह है। तो अभी इस वक्त जो मैंने 1 अप्लाई किया है वो किस पे अप्लाई किया है, के वाली साइड पे, तो मेरी फ्लिप फ्लॉप को रीसेट स्टेट में ही आना चाहिए था और मेरी फ्लिप फ्लॉप इस वक्त रीसेट स्टेट में ही है, तो इसका मतलब यह है कि सो फार सो गुड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो रीसेट हो गई। अब मैं ले लेता हूँ सवाल, सैफ का सवाल यह है कि सर जहाँ स्टार्ट में आपने 2 नैंड गेट्स कॉमन हैं वहाँ लाजमी 1 देना है पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर के लिए। मैंने जैसे कि सैफ ऑलरेडी बताया, पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर से मुझे ना वो पल्स का एज मिलता है, एज डिटेक्ट होता है, लेकिन एज में आपने देखा था कि इवेंचुअली जो है मुझे हाई मिलता है थोड़ी सी देर के लिए ना, तभी मेरा जो है ना ये इनेबल होता है। तो ये काम सिर्फ तभी होगा जब ये जगह है ना, ये वाली लाइन पे 1 आ रहा होगा, ये वाली लाइन पे 1 आ रहा होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हर वक्त 1 आ रहा है, यानी पीछे से मुझे इनेबल मिला हुआ है, क्योंकि मुझे इनेबल का तो बात समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने मान लिया कि इस वक्त आईसी इनेबल है, तो मैं बाकी इनपुट्स को टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ये बात समझ में आई सैफ कि मैंने पीछे से अज्यूम कर लिया है कि मेरे पास वो पर्टिकुलर एज आ रहा है जिससे मेरी आईसी इनेबल होगी, तो मैंने इसको इसलिए अभी फिक्स अज्यूम कर लिया। अच्छा, या सिर्फ QT प्लस 1 की इक्वेशन बताता हूँ कहाँ से आया, पहले इसको पूरा समझा दूँ तो टेबल पूरा हो जाएगा तो इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन समझ में आया सबको। अच्छा, इसी तरह अब आप ये भी समझदार हैं कि अगर मैं यहाँ पे से कॉम्बिनेशन चेंज करके 0-1 के बजाय 1-0 करूँगा तो फ्लिप फ्लॉप तो नेचर में सिमेट्रिक ही है ना, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला एक दूसरे जैसा ही है सिमेट्रिक,
तो अगर मैं ऊपर वाला वन और नीचे वाला जीरो करूंगा तो आपको पता है कि आउटपुट भी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। यानी उस वक्त क्या होगी, मेरी स्टेट मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा, ये वन आ जाएगा और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल वही बात है, 0 1 अप्लाई करूंगा तो ऊपर 0 आएगा नीचे 1 आएगा, और ऊपर 1 नीचे 0 अप्लाई करूंगा तो ऊपर 1 नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है ये सिलसिला, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही जैसे सेकंड केस मैंने बताया, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी कि ऊपर 1 आएगा और क्यू बार पे 0 आएगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस तो हमने देख लिए। अब मैं आना चाहूंगा असल उस केस पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वो केस क्या है, उसके लिए थोड़ा सा मैं, बल्कि थोड़ा सा क्या, इसे पूरे ही क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अब काफी मैसी हो गया है, और यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, ये मेरा है भाई जे, ठीक है, और ये है मेरा के इनपुट। ठीक है, यहाँ पे डजेंट मैटर कुछ भी आ रहा हो, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि वही जो भी हमने अज्यूम किया कि इधर 1 आ रहा है, ठीक है, और इधर 0 आ रहा है, तो इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 आया हुआ है मेरे पास, और यहाँ पर 0 की वजह से 0 आया हुआ है, और ये जो फीडबैक ये नीचे आ रहा है इस पे भी 1 आया हुआ है, और ये जो फीडबैक ऊपर आ रहा है इस पे भी 0 आया हुआ है, और ये वाली लाइन तो मैंने एज्यूम कर ली पल्स ट्रांजिशन पे क्या आ रहा है कि वो एज आ चुका है, यानी थोड़ी सी देर के लिए वो जो पल्स आएगी ना यूं, थोड़ी सी देर के लिए हाई जो होती है, ठीक है, वो आई भी है, तो वो आई भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या आया हुआ है मेरे पास, 1 आया हुआ ही है, और यहाँ पर भी मेरे पास 1 आया हुआ ही है। ठीक है, अब आते हैं असल काम की तरफ। असल काम क्या है कि अब मेरे पास सपोज करें मैंने इनपुट पे अप्लाई किया है वो वाला केस जिस पे इनवैलिड होता था, क्योंकि एक्चुअली मुझे टेस्ट तो इनवैलिड वाला केस ही करना है, बाकी टेस्ट तो मुझे पता है कि ये में वो काम करते हैं, हमने थोड़ी सी चेंजेस की और वेरीफाई कर लिया कि स्टिल वो काम कर रहे हैं। तो अब मैंने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है, और मुझे देखना है कि मेरा आउटपुट इनवैलिड नहीं आना चाहिए। इनवैलिड क्या होता है कि मेरे क्यू और क्यू बार की वैल्यू दोनों सेम आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस केस में, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये जो मैंने सब मॉडिफिकेशन किए जे के बनाने के लिए सब बेकार हो गए। चलो ट्राई कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 अप्लाई किया तो इस जगह पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, 0 1 भी आ जाइए, 0 प्रोड्यूस हो गया, तीनों 1 है तो यहाँ 1 प्रोड्यूस हो गया, इन्वर्ट होने की वजह से ये क्या बन गया, आगे जाके यहाँ 1 बच गया, और इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे ये इन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 आ गया। फिर वही बात, 1 भी 0 आ जाए तो यहाँ पे भी 0 प्रोड्यूस हो गया, 1 भी 0 आ जाए यहाँ पे भी 0 प्रोड्यूस हो गया, 0 है इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ क्या बन गया, 1, सही है 1 ही है, 0 यहाँ इन्वर्ट होने की वजह से क्या बन गया, ये चेंज हुआ और क्या बन गई इसकी वैल्यू, 1 बन गई। ठीक है, ये 1 यहाँ बना तो ये 1 जाके यहाँ पे इसको चेंज करेगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ रहा है ना। ठीक है, अब ये दोनों 1 हो गए तो दोनों 1 के केस में ये 0 नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, अच्छा मैं काम करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, कि अब जो है ये दोबारा से यहाँ से ये जो 1 हुआ ये 1 यहाँ पे गया, यहाँ 1 आया और इसने कट किया तो यहाँ पे भी 1 हो गया, और 1 1 से जो अब प्रोड्यूस होगा यहाँ पर वो क्या है, दोबारा से 1 प्रोड्यूस हुआ, 1 प्रोड्यूस हो गया तो इन्वर्जन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जाके वैल्यू चेंज हो गई और हो गई ये वैल्यू 0। अब यहाँ 0 हुआ है, अच्छा यहाँ पे पहले क्या हुआ हुआ था, 1 ही था तो कुछ चेंज नहीं आ रहा था वैसे ही था, लेकिन अब ये 0 हो गया तो इधर भी 0 हुआ, और इधर 0 होने की वजह से क्या हुआ, ये पूरी की पूरी टर्म चेंज होकर हो गई 0। ठीक है, 0 है, 0 0 पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा, और इन्वर्ट होने की वजह से 1 क्या बन जाएगा, इन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, 1 इन्वर्ट होने की वजह से 1 दोबारा से क्या बन जाएगा, 0, फिर यहाँ 0 होगा, फिर मैं जाके दोबारा से यहाँ चेंज कर दूंगा, यहाँ 0 हुआ तो फिर दोबारा से मैंने यहाँ जाके 0 कर दिया चेंज करके, और यहाँ पे फिर दोबारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 होगा तो इवेंचुअली फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1।
और आप कहेंगे सर ये तो वही आउटपुट आए जा रहा है और ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, इधर जीरो होता है इधर वन हो जाता है, फिर दोबारा इसको जाके चेंज करूंगा वन तो फिर नीचे आला फिर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि इनिशियली 1 0 था, बीच में 0 1 आया, फिर दोबारा 1 0, फिर 0 1, फिर 1 0, 0 1, 1 0, और ये चलता रहेगा, 0 0 पे रिजल्ट आरएफ 0 नहीं नो चेंज आएगा, ठीक है कुछ भी होगा वही आ जाएगा। किस जगह पे बात कर रहे हैं, 0 0 पे, 0 0 पे 0 आता है लेकिन नैंड की वजह से रिजल्ट 1 हो जाएगा ना इन्वर्ट होकर, नैंड पे 0 0 पे क्या आना चाहिए बताओ, 0 0 पे एंड पे क्या आता है, 0 आता है तो नैंड पे 1 आएगा, ठीक है अभी अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आरिफ, क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है ये बहुत ज्यादा जो है ना बहुत मतलब अपडेट्स हुई है इस पे, बहुत मतलब अपडेट्स हुई है क्योंकि इसमें ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि मैं पीछे से क्या कर दूंगा आईसी को इनेबल रखूंगा। आईसी को इनेबल रखने का मतलब पता है क्या है, आईसी को इनेबल रखने का मतलब है असल बात यह है कि मैं इसको दोबारा से रेड से बता देता हूँ कि जब तक पीछे से ही मेरे पास ये यहाँ पर 1 आता रहेगा, ठीक है क्योंकि पीछे से मेरी आईसी क्या प्रोड्यूस कर रही है ये वाला 1 और ये वाला 0 जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ये जो है पीछे से क्यों आ रहे हैं क्योंकि पीछे से स्टिल मैंने कहा हुआ मेरी पल्स ऑन है और पल्स ऑन है तो ये वाला गेट जो है जो भी आ रहा है उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर रहा है, यानी हमेशा क्या कह रहा है पीछे से एक और पल्स आ रही है, पीछे से एक और पल्स आ रही है और पल्स आती जा रही है, तो इसमें जब तक पल्स आती रहेगी ना, अब देखो टॉगल का मतलब क्या होता है पहले मैं मतलब बता देता हूँ फिर समझ जाओगे कि ये बिहेवियर क्या है, पहले 0 1 था फिर 1 0 हुआ फिर दोबारा करूंगा फिर 0 1 फिर 1 0 0 1 1 0 ये होता जा रहा है, यानी ये कहीं रुक नहीं रहा बल्कि मुसलसल शिफ्टिंग पोजिशन है। तो टॉगल का मतलब ही ये होता है कि आप जिस भी स्टेट में थे अब वो स्टेट आपकी इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है टॉगल का मतलब क्या है कि अगर आप सेट स्टेट में थे तो वो रीसेट हो जाएगी, रीसेट में थे तो सेट हो जाएगी, और ये अगर आप पीछे से इनेबल रखेंगे तो ये काम मुसलसल ही होता रहेगा, यानी मुसलसल टॉगल होती रहेगी, मुसलसल इंटरचेंज होती रहेगी, ठीक है। तो चूंकि मैंने पीछे से पल्स मुसलसल इनेबल करी हुई है, मैंने कह दिया कि पल्स हाई आ रही है अज्यूम कर लेते हैं और अभी हम इसको बार बार डाउन नहीं कर रहे, बस ये मान लिया हाई है, हाई है तो मैंने इधर गेट पर यासिर 1 इधर भी रख दिया और 1 इधर भी रख दिया था, ठीक है। तो ये इससे हुआ क्या कि ये मुसलसल पल्स इनेबल जनरेट करिए तो आगे वाला गेट हर वक्त ऑन है, और हर वक्त ऑन है तो हर वक्त वो किस स्टेट में है, टॉगलिंग स्टेट में, सेट और रीसेट फिक्स स्टेट से, सेट का मतलब फिक्स 1, रीसेट का मतलब फिक्स 0, तो ये तो बार बार अपडेट हो भी रहो तो चेंज नहीं होते हुए दिखाई देते। नो चेंज का मतलब क्या है, नो चेंज, नो चेंज भी आपको अपडेट हो गया दिखाई नहीं देगा, लेकिन टॉगल बिहेवियर ही ऐसा है कि ये आपको मुसलसल इंटरचेंज बिहेवियर दिखाएगा, जब तक कि आप पीछे से इनेबल रखेंगे तो आपका आउटपुट मुसलसल टॉगल करता रहेगा या स्विच होता रहेगा फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, 0 1 to 0, लेकिन ये बात आपने देख ली कि ये इनवैलिड नहीं है बल्कि एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है। इनवैलिड क्यों नहीं है, इसमें क्यू और क्यू बार पे अपोजिट वैल्यू आती है, वो 0 होता है तो दूसरा 1 हो जाता है, वो 1 होता है तो दूसरा 0, यानी क्यू 1 हुआ तो क्यू बार 0 हो जाता है, क्यू 0 हुआ तो क्यू बार 1 हो जाता है, तो ये हमेशा अपोजिट रहते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो होल्ड कर रही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक है और ये बात सही है। लेकिन एक बिहेवियर के हमने अचीव किया कि अगर मैं 1 1 देता हूँ तो मेरी आईसी मुसलसल फ्लिपिंग स्टेट में रहती है, और इसी वजह से शायद ये वर्ड ड्राइव हुआ है फ्लिप फ्लॉप, कि इसकी वैल्यूज फ्लिप होती रहती है बार बार, ठीक है। तो ये खास बिहेवियर है, तो थोड़ा सा मैं टेबल की तरफ आऊंगा ताकि वो इक्वेशन का जवाब दे सकूं, उसके बाद अटेंडेंस लेके ये फर्स्ट सेशन एंड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये जेके वाली स्लाइड जो है हम कंप्लीट कर लें, तो मैं क्लियर कर देता हूँ सारा, और ठीक है अब टेबल की बात करें तो टेबल में देखा जाए तो जेके की वैल्यू 0 0, नो चेंज, नो चेंज के केस में क्यू पर जो था वही एज इट इज मेरा आउटपुट बन गया, ठीक है। 0 1 के केस में 0 1, जे इज सेम एज सेट, के इज सेम एज रीसेट, तो इस वक्त रीसेट पे 1 आया हुआ है तो आउटपुट मेरा 0 हो गया, डजेंट मैटर मेरा प्रीवियस आउटपुट क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी फ्लिप फ्लॉप चली गई है इस वक्त रीसेट स्टेट में। 1 0, 1 0 का मतलब क्या है कि 1 किस पे आया हुआ है, सेट पर, डजेंट मैटर प्रीवियस आउटपुट क्या था, मेरी फ्लिप फ्लॉप चली गई है सेट स्टेट में, ठीक है। सेम
अच्छा ये वन वन वाला कॉम्बिनेशन अगर देखें, वन वन वाला कॉम्बिनेशन वही जो मैंने बताया टॉगल, टॉगल का मतलब क्या है कि प्रीवियस स्टेट जो भी होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, इंटर जीरो, तो पहले क्या थी, जीरो थी, तो यहाँ पे देखो चेंज होके क्या हो गई है, वन हो गई, टॉगल हो गई है, अपोजिट हो गई, स्विच करके या फ्लिप करके बदल गई। तो ये है स्पेशल केस जो बताना था कि वन वन के केस में क्या होता है, जो भी प्रेजेंट स्टेट होती है उसका इन्वर्ट हो जाती है, राइट। इसी तरह नीचे देख लिया जाए, जीरो जीरो के केस में क्या हुआ, जो मेरा प्रेजेंट स्टेट में मौजूद है नो चेंज, वही मेरा नेक्स्ट स्टेट पर आ गया, ठीक है। फिर जीरो वन वाला केस आया, फिर वही बात है, रीसेट अप्लाई कर रहा हूँ तो रीसेट ही हो गया, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, रीसेट हो गया, डजेंट मैटर प्रीवियस स्टेट क्या है। वन जीरो अप्लाई किया, सेट करना चाह रहा हूँ, डजेंट मैटर प्रीवियस स्टेट क्या है, मेरा आउटपुट वन हो गया। वन वन अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो देखी जाएगी प्रीवियस स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट वन थी, टॉगल होगी तो क्या हो जाएगी, चेंज होने की वजह से जीरो हो जाएगी, समझ में आई बात, टॉगल होगी तो चेंज होने की वजह से जीरो हो जाएगी, यानी इन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास ये आउटपुट आए हैं, ठीक है। अब यासिर आपके लिए जवाब है कि ये आउटपुट है क्यू, क्यू के लिए आपको इक्वेशन बनानी है, आप के एम एफ बनाए 3 बिट का, जिसमें क्यू जे के आप प्लेस करें तीनों, ये तीनों वैल्यूज प्लेस होंगी के एम एफ में, और जब आप उसमें ये 100s की वैल्यूज प्लेस करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा ये, ठीक है। मैं करके नहीं बता रहा हूँ, के मैप्स आप अच्छे से फेमिलियर हैं, तो आप इसको ट्राई करें, जब तक मैं ब्रेक लूंगा आप इसको अपने पास पेपर पेंसिल पर ट्राई कीजिएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं होल्ड लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ, टाइम ऑलमोस्ट जा रहा है, सेशन एंड हो जाएगा, तो अटेंडेंस लेता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अलर्ट रहिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के अटेंडेंस हो गए, क्यूरी है उसे ले लेते हैं। नहीं जैन, आज लैब तो नहीं होती, ना लैब होगी, लेकिन लैब में कल हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, और जिसकी डिटेल मैं आपको कह रहा था कि कल थ्योरी हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा आरिफ, आप कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं आया, देख लेता हूँ मैं आपका नाम आया है कि नहीं आया है। आरिफ आपका नाम ये आ रहा है, देखें टॉप पर आया आपका नाम, आ गया, बेफिक्र हो जाए, ठीक है, वेरीफाई करा देता हूँ। आरिफ आपको देखें, आपका नाम भी आ गया है, बाबर का नाम भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, रिज्यूम करते हैं इन 5 मिनट्स। चलिए क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। तो जैसा कि ब्रेक से पहले मैं जे के फ्लिप फ्लॉप आप लोगों को समझा रहा था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ट्रुथ टेबल हमारे पास आ गया है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला, और अब आप लोगों को कहा गया था कि इसके लिए आप के मैप अपने पास पेपर पेंसिल पे सॉल्व करें और वेरीफाई करें कि इक्वेशन जो है आपकी नेक्स्ट स्टेट की ये आ रही है। इक्वेशन कह रही है कि या तो जे की वजह से मेरा आउटपुट वन होगा, प्रोवाइडेड दैट प्रीवियस स्टेट मेरी जीरो हो, या तो फिर मेरा प्रीवियस स्टेट की वजह से मेरा आउटपुट जो है वन होगा, प्रोवाइडेड दैट कि के की वैल्यू जीरो, ठीक है। सॉर्ट ऑफ जोर की तरह का ही इसका वो बनेगा, लेकिन इसमें जे और के हैं, दोनों जगह जे नहीं। अच्छा यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक टेबल बना देगा, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट के क्लॉक का एज आ रहा है, ठीक है, एज अगर पूरा पूरा आ रहा है तो 0 0 का केस में क्या होगा, 0 0 पे आपका कह रहे हैं नो चेंज है, यानी जो क्यूटी है वो एज इट इज क्यूटी +1 में चला जाएगा।
जीरो वन के केस में डेफिनेटली रीसेट है, 1-0 के केस में सेट है, और 1-1 के केस में देखो क्या कह रहे हैं, क्यूटी का बार जाएगा, ये लगा हुआ है थोड़ा सा बार, तो क्यूटी का बार, टॉगल का मतलब ही क्या, इन्वर्ट ऑफ द लास्ट स्टेट जाएगा, ठीक है, 0-0 पे नो चेंज है और 1-1 पे इन्वर्ट ऑफ द लास्ट स्टेट, ये बात समझ में आई, ये करेक्टरिस्टिक टेबल है और इसी टेबल से समराइज करके यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, होपफुली नॉट, तो आगे बढ़ता हूँ, जी के फ्लिप फ्लॉप में हमने इनवैलिड वाली स्टेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया, जी के फ्लिप फ्लॉप आती है तो एक और इसी का वेरिएंट है खास टाइप की फ्लिप फ्लॉप जिसे हम कहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल, इसका काम सिर्फ यही है कि टॉगल करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें मैं वही करता हूँ कि जो दोनों इनपुट्स हैं उनको शॉर्ट कर देता हूँ और बस शॉर्ट ही कर देता हूँ, यानी इसका मतलब है जीरो अगर अप्लाई करूंगा टी पर तो या तो यहाँ पे 0-0 का कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा होगा, और अगर 1 अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास दोनों जगह पर 1-1 का कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा होगा, 1 करूंगा तो 1-1 आ जाएगा, 0 करूंगा तो 0-0 आ जाएगा, और 0-0 का आपको अच्छे से आइडिया है कि जब 0 आएगा टी पर यानी बोथ 0 होंगे तो उस केस में नो चेंज आ रहा होगा मेरे पास, और जब दोनों पे 1 अप्लाई कर रहा हूँगा तो दोनों को 1 हमने देखा कि टॉगल आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक टेबल ये बन जाएगा और सिंप्लीफाइड, और ये रहा जिससे आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2-बिट के अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंडेड टेबल आएगा, और एक्सटेंडेड टेबल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये इसका सिंप्लीफाइड करेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे 0-1 की फॉर्म में बात की जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्यूटी की टर्म डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक, तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप है, जेके का ही एक वर्जन है जिसमें क्या होता है कि मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसके दोनों इनपुट्स को, ठीक है, बिल्कुल वैसी जैसे एसआर में डी बनाता था ना, लेकिन उसमें इन्वर्टेड लगाता था, तो डी फ्लिप फ्लॉप में इन्वर्टेड लॉजिक जाती है और टी फ्लिप फ्लॉप में दोनों सेम लॉजिक चले जाते हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप कौन से कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा होता है, 0-1 वाला यानी रीसेट वाला, और 1-0 वाला और सेट वाला, यानी 1-0-0-1 के कॉम्बिनेशन डी में चले गए और जो बाकी दो कॉम्बिनेशन बचे 0-0 और 1-1 वाले वो टी में आ जाते हैं, ठीक है, तो हाफ पोर्शन डी के अंदर मौजूद है और हाफ पोर्शन टी के अंदर मौजूद है, टी के अंदर सेम वाला मौजूद है और डी के अंदर अपोजिट वाला, अच्छा टी फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाई, इसकी एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप चूंकि टॉगल करती है तो ये हमारे काम आती है बनाने में क्या, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर या फ्रीक्वेंसी डिवीजन के काम आती है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़े सिंपल से सिनेरियो लिया हुआ है कि जे के फ्लिप फ्लॉप थी, मैंने क्लॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको, मुसलसल क्लॉक पल्स आ रही है और दोनों जे के पे हाई दे दिया है, यानी दोनों जे के पे हाई देने का मतलब इधर भी आ गया है 1 और इधर भी आ गया है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि राइजिंग एज पे ये काम करेगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कब काम करेगा, जब भी मेरा क्लॉक का एज यूं जा रहा होगा, यानी 1-1 का मतलब है ये टॉगल करेगी आउटपुट, ठीक है, टॉगल करेगी यानी इनिशियली मैंने अगर इसे 0 मान लिया है तो जैसी एक पल्स आएगी ये 0 हो जाएगा, फिर एक और पल्स आएगी ये वापस 1 हो जाएगा, फिर एक और पल्स आएगी ये वापस 0 हो जाएगा, तो मैंने नीचे क्लॉक बनाई हुई है और क्लॉक में मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ अपने राइजिंग एज को, ये मेरा राइजिंग एज है, ठीक है, फिर अगली मरतबा ये मेरा राइजिंग एज है, फिर ये मेरा राइजिंग एज है, फिर ये मेरा राइजिंग एज है, फिर ये मेरा राइजिंग एज है, क्योंकि एजेस पे काम करती है ना ये, तो मैं सिर्फ राइजिंग पे करवाऊंगा या फॉलिंग पे, फिलहाल मेरी फ्लिप फ्लॉप पे बबल नहीं लगा हुआ तो ये कौन सी है, राइजिंग एज पे काम करने वाली फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, तो ये है मेरा क्लॉक इनपुट और ये है मेरा क्यू आउटपुट, इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया था क्यू मेरा क्या है 0 है, ठीक है, जैसे ही राइजिंग एज आया टॉगल कर गया और मेरी वैल्यू क्या हो गई 1, और वो 1 ही रिटेन रही जब तक के दोबारा से एज नहीं आया, दोबारा से एज आया तो दोबारा से क्या हुआ, क्यू ने अपनी प्रेजेंट स्टेट को टॉगल कर लिया, पहले 1 थी अब क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, फिर दोबारा एज आएगा 0 थी तो अब चेंज होकर दोबारा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर पूरी पल्स के टाइम तक फिर वो क्या रहेगी 1 ही रहेगी, यहां से लेकर यहां तक वो 1 ही रहेगी जब तक कि दोबारा से कोई एज नहीं आ जाता, जैसे ही एज आएगा दोबारा से राइजिंग वो चेंज होकर क्या हो जाएगी 0, जब 0 हो जाएगी तो फिर वो यहां से लेकर यहां तक 0 ही रहेगी, ठीक है, जब तक कि दोबारा से मेरा एक्टिव एज ना आ जाए, जैसे एक्टिव एज आएगा वो चेंज होकर टॉगल करेगी और फिर दोबारा क्या हो जाएगी 1, जैसा भी हमने प्रीवियसली देखा ना, हमने मुसलसल पीछे से क्लॉक इनेबल की हुई थी तो वो 0-1-1-0 होते जा रहे थे,
लेकिन वो इसलिए हो रहे थे कि मैंने ऑलवेज वन किया हुआ था. रियल सिनेरियो में ऑलवेज वन नहीं होता, बल्कि क्लॉक पल्स होती है, तो वो एक थोड़े से ड्यूरेशन के बाद वन या जीरो होती है. तो ये क्या हो रहा होगा, जीरो वन जीरो वन जीरो वन होता जाएगा हर एज पे. ठीक है, ये बात तो क्लियर है, सो फार सो गुड. समझ में आई हुई ये बात कि हर क्लॉक पे क्या होता है, टॉगल हो रहा है. तो इनिशियली अगर जीरो होता तो हर क्लॉक पल्स के बाद वो अपनी वैल्यू फ्लिप करेगा, चेंज करेगा. ठीक, ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा. लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइजर क्यों कह रहे हैं या फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्यों कर रहे हैं? तो अगर मैं आपको कहूं कि आप कंपेयर करें क्लॉक की पल्स को, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं ये ताकि आप कंपेयर कर सकें. अब मैं कहता हूं आप कंपेयर करें इस क्लॉक की पल्स को इस क्यू की पल्स से और बताएं दोनों की फ्रीक्वेंसीज में क्या फर्क है. फ्रीक्वेंसी पता है ना क्या होती है, कि आपकी पल्स कितनी तेजी से वेरी कर रही है 1010 के दरमियान. या अगर मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये, कि ये पूरा का पूरा, थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ मैं, वापस दोबारा से कर देता हूँ. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है, और रिकॉल करें वो वाला लेक्चर, इसमें हाई टाइम होता है और लो टाइम होता है हमारे पास, और टोटल क्या आता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पल्स. और वन ओवर टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी है तो आप सिंपली क्या कर देते हैं, इसी टाइम पीरियड को डिवाइड कर देते हैं किससे, यानी इनवर्स ले लेते हैं इसका, इक्वल्स टू 1/T. सही है, तो इसका टाइम पीरियड अगर आप देखते हैं इतना आ रहा है. ठीक है, इसकी बात करते हैं अगर पल्स की, तो यहां से अगर ये स्टार्ट हो रही है तो इसका टाइम पीरियड आ रहा है यहां तक. अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला टी जो है, इस टी में और ऊपर वाले को कंपेयर करें तो क्या फर्क है, इसको अगर यहाँ से और मैं इसके साथ साथ बढ़ा लूँ तो इसमें एक्चुअली कितने टीज आ गए. नीचे वाला टी और ऊपर वाला टी को कंपेयर करें, ऊपर वाले की पल्स को, तो नीचे जितनी देर में एक टी आ रहा है, ऊपर में दो टीज आ जाते हैं, यानी क्लॉक के टू टाइम पीरियड्स, ठीक है, क्यू के सिंगल टाइम पीरियड के इक्वेलेंट है. ये मैं कह सकता हूँ जी क्लास, ये मैं कह सकता हूँ क्लॉक के दो साइकिल जब आती हैं तो क्यू की एक साइकिल पूरी होती है. ठीक है, अगर टाइम पीरियड ट्वाइस है तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो इसकी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हाफ फ्रीक्वेंसी इसकी टू से डिवाइड हो जाएगी. मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप इनवर्स है ना, ऐसे ही है ना. तो चूंकि क्लॉक का टाइम पीरियड जो है 2t इक्वल्स टू टी आ रहा है, समझ रहे हो बात, इसका मतलब ये मुझे क्लियर हो गया कि क्यू डबल द टाइम ले रहा है. ठीक है, डबल द टाइम, दो टीज इसमें एक्चुअली आ रहे हैं. मैं इसको यहीं पे दो लिख लेता हूँ, इस चीज को हम इरेज कर देते हैं कन्फ्यूजन पड़ने से पहले. टू टीज आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रही है बात, टू टीज कैसे आ रहे हैं. क्लास कोई जवाब तो दे, आजकल आप लोग कुछ क्यूए नहीं कर रहे तो मुझे फीडबैक नहीं मिल पाता कि आप लोगों को बात समझ में भी आ रही है या नहीं. काइंडली कोई क्यूरी करे, और बेहतर है कि वो वॉइस के साथ करे ताकि ना सबको नजर सवाल सुनाई भी दे. किसी को भी कोई क्यूरी बेझिझक होके पूछ लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बात समझने की है, फिर ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा. चलें, जैन और आमिर कह रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ समझ में आ रहा है. ठीक है, ये बात यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी वाली बात को, ताकि ये समझ में आ जाए. ठीक है, ये क्लियरली समझ पा रहे हो कि ऊपर के दो टाइम पीरियड्स जब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो नीचे जाके एक पीरियड बनता है. तो इट मीन्स मैं नीचे कह सकता हूँ टू टीज आ रहे हैं. ठीक है, तो अब ऊपर के दो टाइम पीरियड नीचे का एक टाइम पीरियड बनाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर दो मरतबा पल्स आ जाती है और नीचे सिर्फ एक ही दफा आती है. ऊपर दो दफा पल्स आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले की फ्रिक्वेंसी ट्वाइस एज फास्ट है नीचे वाले से, क्योंकि इतनी देर में वो अपनी दो पल्स प्रोड्यूस कर लेता है जितनी देर में नीचे सिर्फ एक पल्स प्रोड्यूस होगी. तो ये बात क्लियर हो गई ना कि टू का रिलेशनशिप है. तो इस वजह से मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी बनाया है,
ये जो मैंने अभी बनाया है ये कौन सा है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है बाय टू से, क्योंकि टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहा है बाय टू से। समझ में आई ये बात कि ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी यानी क्लॉक से अगर क्यू की फ्रीक्वेंसी को मैं कंपेयर करूँ तो टाइम पीरियड में ट्वाइस का फर्क है, तो फ्रीक्वेंसी में भी ट्वाइस का फर्क आएगा, लेकिन इनवर्स में, टू टाइम पीरियड्स बढ़ रहा है, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय टू है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू हो जाएगी। सिंपल इज दैट, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू हो जाएगी, क्योंकि अब इट्स स्लोअर नाउ, और स्लोअर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई, पल्स तेजी से नहीं बल्कि स्लोली चेंज। ठीक है, और बेहतर समझने के लिए जरा राइट साइड वाली डायग्राम को देखते हैं। राइट साइड में भी क्या है, जेके को मैंने वन वन ही दे दिया है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, और दो लगाई है फ्लिप फ्लॉप और दोनों पे वन वन दे दिया, यानी दोनों को मैंने टॉगल मोड में ऑपरेट करवा रहा हूँ। हो क्या रहा है, पहले को तो मैं क्लॉक इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाले का इनपुट क्या बन रहा है, इसका आउटपुट जो है वो अगले का इनपुट बन रहा है, यानी मैं इसको क्लॉक पल्स नहीं दे रहा बल्कि इसका आउटपुट दे रहा हूँ। तो अब अगर देखा जाए तो ये है क्लॉक, ये है आउटपुट ऑफ फर्स्ट, और ये है मेरा आउटपुट ऑफ सेकेंड, ये वाला। तो जब मैंने ये वाली पल्स चलाई तो ये कहाँ कब चेंज होगी, ये वाले एच पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की राइजिंग पे, तो राइजिंग पे तो ये भी राइजिंग आ गया, ये राइजिंग आ गया और ये राइजिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ राइजिंग पे चेंज हो रहा है। तो नीचे वाली अगर पल्स की बात करें तो, अच्छा कोई क्यूरी है सर, इसमें टॉगल हो रहा है, इफ यस देन हाउ, जी आसिफ जा रहा हूँ मैं इस पे कि इसमें टॉगल कैसे हो रहा है, टॉगल हो रहा है, अभी हमने पीछे देखा ना कि वन वन जब भी अप्लाई करेंगे तो जेके टॉगल बोर्ड में ऑपरेट करती है। अब इस पे तो कोई बहस हो वैसे है नहीं कि टॉगल हो रहा है कैसे, टॉगल हो रहा है कैसे कि तो हम पीछे देख चुके हैं, अब हम ये देख मान के चल रहे हैं कि टॉगल तो हो रहा है, लेकिन टॉगल होने से बिहेवियर क्या आ रहा है मेरा आउटपुट पे। ठीक है, इस जगह हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड करता है, तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि कैसे चेक करें। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा, मेरी पल्स यहाँ पे जीरो थी, जैसी पल्स आई ये चेंज होके जीरो हो गई, फिर दोबारा मेरे पास पल्स आई टॉगल होके वन, वन से दोबारा जीरो हो गई, फिर पल्स आई तो दोबारा से ये चेंज होकर वन हो गई, फिर दोबारा पल्स आई दोबारा से चेंज होकर ये जीरो, फिर पल्स आई वन, और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि मेरे पास पल्स आती रही। और ये तो पता ही है कि इसकी पल्स और उसकी पल्स में ट्वाइस का फर्क आ गया। डीटी की क्लास आज कैसे, आज तो आपका सेशन फ्री होता है बेटा असदुल्ला, फ्राइडे सेशन तो आपका फ्री होता है। अच्छा आज रख दिए, चलो मैं वाइंड अप कर देता हूँ, आओ बस जल्दी ये कंक्लूड कर देता हूँ, एक स्लाइड इसके बाद और है, चले मैं कंक्लूड करने पे आता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस हो गई, मैं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रहे कि इस वाले का राइजिंग एज कौन सा है, इस वाले का राइजिंग एज ये है, फिर इस वाले का राइजिंग एज देखा जाए तो ये है। मैं इसका राइजिंग एज क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी क्लॉक बनेगा अगली वाली फ्लिप फ्लॉप के लिए, इसका राइजिंग एज ये है। ठीक है, मैंने रेड से हाईलाइट कर दी। तो अब क्या है कि नीचे चूंकि ये यहाँ से इनपुट होकर यहाँ जा रहा है, इसकी क्लॉक बन रहा है, तो अब मैं जब क्यूबी को चेंज करूंगा तो क्यूबी को जो भी मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो वो इनकी बेसिस पे करूंगा, ये जो चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि क्यू बी की क्लॉक क्या है, ये क्यू ए बन रहा है, यहाँ पर चेंज होगा ये, यहाँ पर ऊपर वाले से चेंज, जब इसका कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर वाला क्या है इससे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, ऊपर वाला क्यू बी को पता ही नहीं है कि किस कब चेंज हो रही है पल्स, क्यू बी के लिए तो ये है, तो यहाँ पे चेंज हुआ हाई हो गया, चलता रहा चलता रहा, फिर दोबारा यहाँ पे पल्स आई तो ये लो हो गया, फिर दोबारा चलता रहा चलता रहा, फिर दोबारा क्या हुआ हाई आया, फिर चेंज हो गया, फिर दोबारा चलता रहा हाई आया, दोबारा टॉगल हो गया, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल मोड, तो टॉगल तो होगा ही होगा, तो इस पे तो बहस करनी नहीं है कि टॉगल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने पीछे वेरीफाई कर लिया कि टॉगल होगा। अब इस सब का पर्पस क्या हुआ, इस सब का पर्पस ये हुआ कि मुझे ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनली क्यू बी पे जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय 4 आएगी। ठीक है, डिवाइड बाय 4 आएगी कि नहीं आएगी, ये बात मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। ये बात तो क्लियर है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या कहलाता है, टी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी लूंगा तो ये क्या कहलाएगा, टी ही कहलाएगा।
और अगर फिर इसी रिस्पेक्ट से मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअली किसके इक्वेलेंट होगा, ये भी टी है ये भी टी है, तो ये मिलके पूरा टोटल क्या बना लेते हैं इसके लिए 2t, ठीक है 2 टाइम्स आता है। ये भी हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में किया, यहाँ से यहाँ तक भी क्या आएगा 2t आएगा। और अगर ये नीचे वाली पल्स को देखा जाए तो ये तो यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ तक जा रही है तो 2t + 2t इसके लिए टोटल कितना आ जाएगा 4t, तो इसका टाइम क्या है 4 टाइम्स है। टाइम पीरियड अगर 4 टाइम्स है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड कितने टाइम से हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी डिवीजन 4 से हो रही है, ठीक है ये बात समझ में आई। यहाँ पे 4 से कैसे डिवाइड हो रही है ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आगे चल के हम यूटिलाइज करेंगे अगले चैप्टर में हम टॉपिक में, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बात समझ में आ रही है। जैन कह रहे हैं मिट के बारे में डरा दीजिएगा प्लीज, डरा क्यों दूंगा जैन, ठीक है तो मैं होपफुली बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, लेकिन अब आप लोगों की क्लास आ गई है, एक स्लाइड और थी लेकिन अच्छा ठीक है जैन मैं बता देता हूँ एंड में। अच्छा तो ये 4 से डिवाइड हमारे पास हो गया, ये बात सबको समझ में आई है। चले मैं उम्मीद करता हूँ क्यूरी नहीं आ रही है तो समझ में आ गई होगी, और मैं अच्छा ये स्लाइड देख लीजिए क्योंकि ये मैंने चेंज किया और मैं नया वर्जन अपलोड कर दूंगा। चेंज मैंने क्या किया, कह रहे हैं कि एसिंक्रोनस इनपुट्स भी होते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस सिग्नल में ये फर्क है कि सिंक्रोनस का मतलब है कि क्लॉक पल्स का जब एक्टिव एज आएगा वो तभी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनस इनपुट क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल जैसे ही अप्लाई होते हैं वैसे ही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है बिल्कुल वैसे ही कि मैं नॉर्मली क्या कहता हूँ एक हार्ड रीसेट या रीस्टार्ट का बटन कह लें आप कंप्यूटर का, एक कुछ ऐसा बटन है कि वो डजेंट मैटर कभी भी वो आपका एक्टिव हो जाए। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 हार्ड रीसेट के बटन हैं, रीसेट तो नहीं कहेंगे, एक प्रीसेट का है और एक क्लियर का है। प्रीसेट का मतलब है ये आपके फ्लिप फ्लॉप को 1 स्टेट में ले आएगा, नहीं सेट स्टेट में, और क्लियर का मतलब है ये 0 में ले आएगा। चेंजेस मैंने ये किए हैं कि यहाँ पे पहले मैंने जेनरिक लिखा हुआ था, मैंने फ्लिप फ्लॉप के व्यू पॉइंट से लिखा है कि ये बोथ एक्टिव लो होते हैं जेके में, ठीक है अगले पेज पे जो डायग्राम है उसमें बोथ एक्टिव लो है, यानी अगर प्री पर लो कर दूंगा तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी या सेट हो जाएगी, या क्लियर पे लो कर दूंगा तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी या लो हो जाएगी, और नॉर्मली जब मैं नॉर्मल मोड्स में काम कर रहा होता हूँ तो ये क्या होती है हाई होती है, यानी नॉर्मल मोड ऑपरेशन में काम करवाने के लिए इनको हाई रखना पड़ता है क्योंकि एक्टिव लो हैं, तो इनको ओपन छोड़ दें या दोनों को वन कर दें, ये वही दोनों पिंस हैं जो कल मैंने आपको लैब में बताई थी कि इसको आप ओपन छोड़ दीजिएगा या वन सप्लाई, ठीक है तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। कहाँ कनेक्ट हुए ये दिखा देता हूँ मैं, हमारे डायग्राम में क्या होता है कि ये प्री और क्लियर जो है ना इस जगह से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है बाकी इसकी पल्स बनी हुई है इसको देख लेना, बिल्कुल एंड कर रहा हूँ बेटा, तो ये पल्स है इसको देख लेना। प्रीसेट का मतलब ये है कि जैसी प्रीसेट ऑन होगा आपका क्यू जो है मुसलसल हाई हो जाएगा, डजेंट मैटर क्लॉक पे क्या आ रहा है, डजेंट मैटर आपके इनपुट्स पे क्या आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीसेट और क्लियर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ये बात ध्यान से सुन लो, प्रीसेट और क्लियर की प्रायोरिटी ज्यादा है, डजेंट मैटर जे पे क्या आ रहा है, डजेंट मैटर क्लॉक पे क्या आ रहा है, प्रीसेट कर दिया तो मेरा क्यू जो है हाई हो जाएगा रिगार्डलेस मेरी कुछ भी इनपुट की स्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैंने क्लियर कर दिया तो डजेंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी आ रहा हो इनपुट पे मेरी क्यू पर 0 आ जाएगा, ठीक है इस पल्स को देख लेना, जैसे अभी मैंने पीछे पल्स बनाई यहाँ पे यही बनी हुई है कि प्रीसेट हुआ हुआ है तो हाई रहेगा क्यू, क्लियर हुआ हुआ है तो लो ही रहेगा, और अगर दोनों ऑफ हैं तब मेरी फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल मोड में काम करेगी और इस केस में वो टॉगलिंग है, ठीक है तो लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कोई क्यूरी ना हो, लेकिन इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना खासतौर पर टॉगल वाला जो पार्ट मैंने बताया, ठीक है अगले में आगे टाइम मिला तो मैं मजीद बता दूंगा, नहीं तो फिर आप इसे रिवाइज कर लीजिए, अगर लेक्चर मेरा यहीं तक था, ठीक है तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। Till next time, signing off.